गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के साथ में इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूं। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, बज रहा है 5:15। और मैं जो कपड़े सूख गए थे उसको फोल्ड करके रखूंगी और उसके बाद लगाऊंगी बिस्तर, क्योंकि बेड पर से जो चादर हटाई थी ना दोपहर में, तो बच्चे फिर बैठ करके अपना स्कूल का काम करने लगे थे और उसे फैला दिए थे। तो मैं भी बोली कि पहले अपना काम कर लो, अब शाम के टाइम ही बिस्तर सही करूंगी, क्योंकि फिर सुबह भी करना पड़ता है और शाम भी करना पड़ता है। तो इसीलिए बेड पे चादर भी बिछाना है। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस। और जो लोग भी नए हैं, मेरा वीडियो पहला बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे सारे जो कपड़े सूख गए हैं, मेरा है, बच्चों का है, जिनका भी कपड़ा है, सारा मैं फोल्ड करके और पहले कपड़ों को जगह पकड़ा दूंगी, मतलब सारे कपड़ों को अपने अपने जगह पे रख दूंगी। उसके बाद बिस्तर सही करूंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन का काम करने। और अभी देखिए गाइस, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आज के खाने में मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल की कचौड़ी और गुड़ वाली खीर और आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि मेरा कई दिनों से मन कर रहा था मुझे खाने का, तो इसीलिए मैं बनाई। और ये वीडियो मंगलवार के दिन का है, तो मैं सोची मंगलवार दिन भी है, मंगलवार का दिन जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं खीर वगैरह बनाना, तो मंगलवार के दिन गुड़ वाली खीर बनानी चाहिए, होता है कहीं कहीं, अपना मानते हैं, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वही मैं सोची कि आज ही बना दे रही हूँ। तो अभी मैं कढ़ाई रखा दी हूँ, दाल वगैरह पहले ही धुल करके साफ करके रखी हूँ, चने की जो दाल है ना दोपहर में भिगोई थी, फूल गया है, धो करके साफ करके रखी हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है तब तक आटा निकाल करके रखी हूँ, आटा भी लगा करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, मार्केट का भी काम करना है, तो मैं सोची जाने से पहले किचन की जो थोड़ी बहुत जो काम होती है ना छोटी छोटी, वो निपटा करके जाती हूँ। और यहाँ देखिए तेल ख़त्म हो गया था, तो मैं तेल भी निकाल ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ही निकालती हूँ और बाकी अलग रखा रहता है, जब जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे निकाल निकाल करके काम अपना करते रहती हूँ। तो यहाँ सिंपल तरीके से मैं दाल में लगाऊंगी छौंका, और दाल में चढ़ा करके और आटा लगा करके और फिर आलू उबालने के लिए रख दी थी, और उसके बाद ही मैं चली गई थी मार्केट। राधिका को कम से कम मैं 10 बार समझाई थी कि जब दाल का पानी सूख जाए तब गैस बंद कर देना, और कुकर में 3-4 सीटी लगे तब गैस बंद कर देना, क्योंकि लेट हो रहा था। और मुझे ना पता है घर का भी काम देखना पड़ता है, मार्केट का भी काम देखना पड़ता है, और समय भी कम मिलता है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी में लगी रहती हूँ। अभी देखिए कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा जाएगा और सूखी हुई, सूखी नहीं मतलब हरी मिर्च ही जो है वो रखे रखे सूख गया था, हरी मिर्च ने रखे रखे सूख गया था गाइस, तो वही मैं 4-5 तोड़ करके डाल दे रही हूँ। और मसालों में बस यहाँ पे सिंपल हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा एकदम चुटकी भर मिर्ची का पाउडर डाली हूँ, और धनिया का पाउडर मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा का पाउडर और थोड़ा सा तेल में हींग भी डाली थी जिससे पाचन शक्ति सही रहे। और दाल को ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, तो फिर नहीं तो ये कठोर हो जाता है, मतलब अच्छे से पिसा नहीं पाएगा। और यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और पानी डाल करके मैं ढक दूंगी, और इसमें के जब पानी सूख जाएगा ना तो ये मतलब अच्छे से हो जाएगा, तब इसको फिर सिलबट्टे पे दरदरा पीस करके और कचौड़ी बनती है। और इधर मैं एक तरफ आलू भी रख दे रही हूँ उबलने के लिए कुकर में, ताकि लगे हाथ काम हो जाए। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बाहर लेकर के आटा लगा रही हूँ, आटा वगैरह लगा करके रख के चली जाऊँगी, तो बाहर ही रख करके और खड़े होकर के आटा मैं लगा ले रही हूँ, जिस पर पानी रखते ना जिस टेबल पर वहीं पर रख करके, तो फटाफट यहाँ आटा लगेगा, उसके बाद जो होगी बाकी काम शुरू। और अभी देखिए अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से, आने के बाद थोड़ा देर आराम की थी, क्योंकि ना मेरे एक हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मुझे रोना आ रहा था, तो मैं दवाई खा करके और थोड़ा सा रुक गई थी। और ये देखिए मेरा जो चूल्हे का स्टैंड है ना, तो मैं ख़राब हो गया था, मैं लाई थी नया, और जैसे मैं सोची कि मीठा चीज़ बना ही रही हूँ तो चूल्हे का जो नया स्टैंड है उसका उद्घाटन करके और उसी पर फिर खीर चढ़ा दूँगी पहले, तो जब मैं लगाना शुरू की ना उसको लगाने लगी, पुराना निकाल कर तो छोटा पड़ रहा था, तो अभी उसको रखी हूँ, हटा दी, फिर पुराना वाला ही लगाई, और फिर उसको चेंज करके दूसरा लाना पड़ेगा, वो छोटा पड़ रहा है। और इधर मैं एक तरफ पानी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, एक तरफ खीर बनेगा, और इधर दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए।
और अभी खीर बनाने के लिए ना चावल धुल करके डाल दी, तो उसको चलाते रहना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो फिर चावल नीचे बैठने लगता है। गुड़ वाली खीर है तो दूध सबसे लास्ट में जाएगा, पहले चावल और गुड़ पका लेंगे अच्छे से, और जो भी हमें ड्राई फ्रूट डालना होगा डालेंगे, और उसके बाद ही इसमें हम डालेंगे दूध सबसे लास्ट में। ये देखिए गाइस, एक तरफ मैं दूध गर्म करके रखूंगी, खीर में डालने के लिए अलग से डालते हैं, गुड़ वाला खीर बना रही हूँ ना तो फटने का डर रहता है इसी वजह से, और एक तरफ चावल पक रहा है खीर के लिए, और गुड़ भी इधर रखा हुआ है उसको डालूंगी, और आटा लगा करके रख दी हूँ, दाल तैयार हो गया है, और बस पूड़ियाँ तलनी है, और सब्जी तो तुरंत बन जाएगा, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ सिंपल वाली, तो वो और आज मतलब मेरा ही कई दिनों से मन कर रहा था कब से गुड़ वाली खीर खाने का और दाल वाली पूड़ी। एक बार जब मैं बीच में बनाई थी ना तो वो उस दिन ना काफी ज्यादा लेट हो गया था, बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो अच्छे से हम लोग खा भी नहीं पाए थे, और गर्मी इतना ज्यादा है गाइस कि पूछिए मत। बस मेरा मन करा थोड़ा देर में साड़ी उतार करके मैक्सी डालूंगी हल्का फुल्का, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है एकदम पसीने से, और गर्मी की वजह से मैं किचन में ज्यादा देर काम कर रही हूँ तो पसीना बहते रहता है, और भी जो किचन में बाथरूम में जहाँ भी काम होता है तो गर्मी ही है, तो इस वजह से मेरे गर्दन पूरा एकदम छिल चुका है, और बहुत ज्यादा पसीना जब टपक रहा है ना वहाँ पे तो जलन हो रहा है, तो मैं 3 बार 4 बार करके पाउडर लगाती हूँ ताकि थोड़ा आराम मिले, और अभी दूध जब गर्म हो जाएगा तो इधर मैं सब्जी छौंकूंगी, उसके बाद पूड़ी तलने के लिए रह जाएगा तो खाना बन जाएगा। और अभी देखिए गाइस चावल जो है पक गया है, बस थोड़ा सा पकना रह गया है, तो जितना हमें गुड़ डालना चाहिए स्वाद के अनुसार डाल देंगे, और पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज की जो खीर बनी है काफ़ी ज़्यादा मीठी हो गई है, मैं इतना शौक से बनाई और खूब मीठी हो गई है, मतलब गुड़ ज़्यादा हो गया था, और थोड़ा सा मैं बचाई भी थी, आधी किलो गुड़ लाई थी तो मुझे लगा कि कम ना हो जाए, और खूब मीठा ही हो गया, तो एक तरफ गुड़ मैं डाली हूँ खीर में और इसको चलाते रहूँगी ताकि अच्छे से घुल जाए, और एक तरफ छौंक दूँगी सब्जी आलू टमाटर वाली, और मैं ढूंढ रही हूँ गुड़ का डब्बा जो पहले से और गुड़ रखा हुआ है, तो मैं सोची उसी में डाल देती हूँ। कभी कभी होता है ना चीज़ें हम रखते हैं किधर गया हुआ किधर, और मेरे घर में क्या होता है ना किचन में कि बच्चे भी हाथ फेरते रहते हैं तो डब्बा इधर का उधर हो जाता है, और इधर मैं तल रही हूँ अब कचौड़ियाँ तल रही हूँ, मतलब फ्राई कर रही हूँ कचौड़ी, बाकी सब खीर और सब्जी बन गया, बस कचौड़ी तलने के लिए ही रह गया है, तो फटाफट कचौड़ी तल करके उसके बाद निकालूंगी खाना, और गर्मा गर्म कचौड़ी है, आलू टमाटर की सब्जी है, और गुड़ वाली खीर है, तो आ जाइए गाइस आप लोग भी खाना खाने, एकदम देसी खाना एंजॉय कीजिए, और खा करके बताइए कि कैसा लग रहा है, काफ़ी यम्मी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा।